औरंगाबाद अंबा थाना अंतर्गत संडा पुल के पास बीती रात नक्सलियों के साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ, जिसमें किसी का हताहत होने की सूचना नहीं मिली। यह कार्रवाई SP दीपक कुमार बरनवाल के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने पर नक्सलियों को भगाने पर मजबूर किया गया था। नक्सलियों के द्वारा 70 राउंड एवं पुलिस के द्वारा लगभग 200 राउंड गोलियां चलाई गई। इस मुठभेड़ में कुछ नक्सली घायल होने का प्रमाण मिला है। कुछ जगह पर खून के धब्बे नजर आए हैं। घायल नक्सली को उनके साथी ने लेकर फरार हो गए। मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात पुलिस के सर्च ऑपरेशन चलाने पर 3 बाइक एवं 35 खोखा बरामद किया गया। जो खोखा बरामद किया गया वो AK-47 एवं SLR है। इस कार्रवाई से नक्सलियों का मनोबल टूटा है, क्योंकि किसी बड़े घटने के अंजाम देने की फिराक में थे, जो SP दीपक कुमार बरनवाल के कुशल नेतृत्व के साथ इस अंजाम को विफल कर। क्या उपलब्धि है, क्या पूरा? कल रात में एक मुठभेड़ हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच में। पूर्व में लगातार सूचना आ रही थी कि नक्सलियों द्वारा कुछ बड़ी घटना अंजाम देने के लिए लगातार एक दो टीम सक्रिय है और हमारे जो ढीबरा साइड का एरिया है, भलवाई कैंप के आसपास के एरिया में एक्टिव है, जिसमें हम लोगों को सूचना संकलन में पता लगा कि 4-5 स्पॉट हम लोगों ने चिन्हित किए, जिसमें से एक परता गांव है अंबा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे एक संडा पुल का निर्माण हो रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेड था, उसके ठेकेदार पर भी खतरा था और उस साइड को भी उड़ाने की बात थी। तो 3-4 जगह फोर्स हम लोग लगाए थे, हमारे नेतृत्व में एक टीम का हम लोग ले गए थे, और जिसमें ASP अभियान, SHO नवीन नगर श्याम किशोर सिंह, SHO मदनपुर पंकज, चीता 5 के STF के जवान, CRPF के जवान और हमारे जिला के पुलिस बल के सिपाही शामिल थे। 3-4 टीम का गठन किया गया था। घटना के क्रम में जब हम लोग वहाँ पर पोजीशन लिए हुए थे, नक्सली लगभग 18 से 20 की संख्या में लगभग 8 से 10 बाइक पर आए, काफ़ी उनके पास हथियार भी था। और जब वो लोग पहुंचे वहां पर तो पुलिस द्वारा चेतावनी दी गई रुकने की, जिस पर उन्होंने फायर खोल दिया तुरंत। उनको लगा कि शायद ठेकेदार का मतलब अपना गार्ड होगा, लेकिन इधर से जब पुलिस ने फायर खोला और चुनौती दी उनको सरेंडर करने को भी बार बार कहा, तो वो लोग बाइक छोड़कर तुरंत उन्होंने पोजीशन लिया। लगभग 1 घंटे तक फायरिंग हुई, जो उस साइड से लगभग 70-80 राउंड चला, जिसमें से हम लोगों को टोटल 35 राउंड खोखे उनके बरामद हुए हैं। बाकी और भी मतलब गांव वालों को कुछ मिल रहे हैं और मिलेगा। हम लोगों की तरफ से लगभग 200 राउंड फायरिंग हुई। ऐसे भी हम लोगों को अंदाजा है या हम लोगों को संभावना है कि किसी को गोली भी लगी है, कुछ ब्लड स्टेन टाइप का भी मिला है की उसे जो उठाया गया है। ये बहुत अच्छी एक उपलब्धि मानी जाएगी इस क्रम में कि लगातार जो चिरैया हो या एक वहाँ पे देव थाना अंतर्गत एक साइट पे उन्होंने पोकले मशीन वगैरह को जलाया था हाईवा को, उसको देखते हुए इनका काफ़ी मनोबल बढ़ा हुआ था। ये इनकाउंटर के द्वारा निश्चित रूप से ये कमज़ोर हुए हैं। इनकी 3 बाइक PO पर बरामद हुई है, जो कि ये बाइक भेज कर भागे वहाँ से। जो टीम आई थी वो अभिजीत के नेतृत्व में आई थी, अभिजीत यादव उर्फ बनवारी जी, उसके सहयोगी गोदराम सीताराम रजवाब से पूजन यादव, ये लोग उसमें शामिल थे। बाइक की हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के बाद और चीज़ें सामने आएंगी कि लोकल कौन लोग मदद किया, बाइक कौन उपलब्ध कराया है। इसमें जो खोखे वगैरह बरामद हुए हैं तो 2004 के 2006 के, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो हथियार वगैरह लूटा गया पूर्व में, ये सब पुराने राउंड से बहुत जो दस्ता था उनका कमांडो दस्ता था, 47 SLR दोनों को फिर से मिले हैं। तो इससे क्लियर है कि वो लोग काफ़ी तैयारी के साथ आए थे और पुलिस टीम की कार्रवाई से, CRPF की कार्रवाई से, सबकी कार्रवाई से वो पीछे हटने को मजबूर हुए। हम लोग और सूचना संकलन कर रहे हैं, अगर उनको कोई जान की भी क्षति हुई है तो वो जल्दी पता लगेगा। औरंगाबाद से नीरज कुमार के साथ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।